ये एक अहम सवाल इन्होंने किया है कि अगर बाप ने अपने बेटे को अलहदा नहीं किया, जायदाद के अंदर ही है, घर में रहता है, बाप के घर पे रहता है, उसी के साथ शरीक है, खाता पीता है, लेकिन कारोबार अलहदा करता है बेटा अपना, बाप को वो कुछ नहीं देता, वो अपना अलहदा जमा किए जाता है, तो क्या उसका ये अलहदा किया हुआ माल उसी का ज़ाती है या इसमें दीगर उसके भाई भी शरीक है? तो इसका जवाब ये है कि ये उसकी ज़ाती मेहनत है, इसके अंदर कोई उसका भाई शरीक नहीं है। हाँ, बाप उसको ये कह सकता है कि बेटा अब घर की कोई जिम्मेदारी तुम उठा लो, किचन बिल या और सौदा सलफ जो लिया जाता है ये तुम अपने ज़िम्मे ले लो, ठीक है, लेकिन बाप उसकी कमाई में उसके भाइयों को शरीक नहीं कर सकता, बल्कि खुद भी शरीक नहीं हो सकता। ये उसकी जायदाद है, ये उसका माल है। इसकी एक सूरत अलग है कि बाप ने बेटे को पैसे दिए हैं कि ये तुम कारोबार करो, अगर बाप की रास पर, बाप की असल माल पर वो कारोबार करता है, फिर बाप से पूछा जाएगा कि तूने अपने बेटे को ये पैसे तोहफा किए हैं कि इतने इतने पैसे मैं सब बेटों को दे दूंगा, या तूने अपने बेटे को उधार दिए कि काम कर, जब तेरा काम ठीक हो जाए तूने ये पैसे मुझे वापस करने हैं, या आपने इस नीयत से दिए कि इसको चला, जो भी तेरा प्रॉफिट आता रहेगा ना उसके अंदर हम भी हिस्सेदार हैं। फिर उसका तरीकाकार ये होगा कि जिस तरह एक बंदे का माल होता है और एक बंदे की मेहनत होती है, वो शराकत आ जाएगी उसमें। उसमें फिर शराकत में ये होता है कि 50-50 या 60-40 पे तकसीम होती है, 60% मेरा, 40-13, 50 मेरा, 50-13। फिर वो बाप बेटे का आपस में जो तय हो जाए उसमें फिर आध बेटे की विरासत और आध ऐसा होगा जो बाकी सब शरीक होंगे, और इसमें ये भी आएगा कल को वारिस होने के अतबार से। इनका सवाल ये, हाँ, इसके साथ ये चीज़ भी जुड़ती है कि बाप बाज़ दफ़ा बेटे को कहता है कि बेटा तुम ये पैसे जमा करो, खर्चे खुर्चे मैं चलाए जाता हूँ, तुम ये जमा करो, कल को हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो है ना वो अपना एक अलहदा प्लाट लेंगे, घर लेंगे। इस देखें, ये बाप का कहना दुरुस्त नहीं था, क्यों? वो बेटे की मेहनत है, बाप की मेहनत उसमें है ही नहीं, बाप ने उसको सिर्फ एक ज़िम्मे से बरी किया है जो नहीं करना चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि बाप उससे उतने माँ का उससे किचन का खर्चा ले ले कि हर महीने किचन में 15,000 खर्च होता रहा मेरा, ठीक है, तो अब तक 15,000 के अतबार से तू जिम्मेदार बन, लेकिन ये भी बात पहले तय होनी चाहिए, नहीं तो आमतौर पर माल ऐसी चीज़ है, अल्लाह ताला माफ़ करे, ये बाप बेटे को आमने सामने खड़ा कर देता है। इसमें बाप का ये कहना दुरुस्त नहीं था, वो उसका ज़ाती माल है, वो उसकी मेहनत है, उसमें बाप की मेहनत और बाप की इन्वेस्टमेंट नहीं है, लिहाजा बाप ये बात कह कर उसके माल में हिस्सेदार बाकी बच्चों को नहीं बना सकता, ये ठीक नहीं है अमल।